हमारे सहयोगी वरुण गोयल ने किसान नेताओं से बात की। कीर्ति किसान यूनियन से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, क्यों आज की बातचीत बिल्कुल ऐसे बेसिट्टा सी रही? देखिए, तो सरकार को तीनों लॉज को निरस्त करने पड़ेगा। इस तरह अड़ी से कैसे चलेगा? इतने लोग आ रहे हैं 26 को, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक वो लॉज वापस नहीं लेते। सरकार को लॉज वापस लेने ही पड़ेंगे। क्या बातचीत डिरेल हो गई है क्योंकि अगली डेट भी नहीं मिली? देखिए, हमारा आंदोलन डिरेल नहीं होना चाहिए, बातचीत तो ऐसी चलती रहती है। इन्होंने आंदोलन की वजह से बात की है, आंदोलन और सख्त होगा और बात करेंगे और आंदोलन इतना बड़ा करेंगे। तो ये थे राजेंद्र सिंह कीर्ति किसान यूनियन से, जो बता रहे थे कि किस क्या कुछ आज अंदर रहा। चौधरी हरपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत पटरी से उतर गई हो। बातचीत तो पटरी पर कभी आई नहीं थी, आती उतर जाती है। सरकार जिद करती, सरकार वैसे होता है सब कुछ। अच्छा, हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं। अब तो अगली तारीख भी नहीं थी सरकार ने। तारीख तो अब सरकार जब देगी। हमने कह दिया सरकार को, जब मन करे बुला लियो, हम बैठे हैं, आप भी अपने बैठे घर, क्या दिक्कत आएगी? हम चलेंगे अपना आंदोलन। आज हुआ क्या इतने 3-4 घंटे में? कुछ नहीं, यही था कि सरकार ने कहा, हमने प्रपोजल दिया, हमने कोई खारिज कर दिया। हमने सरकार के दोबारा विचार करें इस पर, हमने दोबारा विचार क्यों करें इस पर? हम बोला दोबारा सोचो, हम तो नहीं सोच रहे। ये सब बात चलती रही। लास्ट में उन मंत्री ने कहा, ठीक है, आपको इस प्रपोजल पर राजी हो आप तो कल बता देना, बैठक कर लेंगे। तो हमने ठीक है, हम जा रहे हैं, आप आगे बढ़ो तो हम बता दिए, हम आ जाएंगे। सरकार ने तो ये कहा इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते थे, आप धन्यवाद भी कर दिया। तो हमने भी कह दिया इससे भी हम नहीं हट सकते। हाँ। हमें धन्यवाद कर दिया। अब तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है ना कि आगे कुछ बचा क्या कहने के लिए? अब आगे सरकार बड़ा दिल दिखाएगी, कोई बात करेगी जरूर आएंगे। सरकार किसके लिए है ये बात? अच्छा, मुझे 127 लोग मरे हैं, किसान मरा 127, वो क्यों आए थे यहाँ? इसलिए आए थे आप इसको रिफिल करो, ये बात तो लेकर आए थे। एक बात लेकर आए थे, MSP खरीद गारंटी कानून, दो बात थी हमारी। आगे क्या होगा, आप लोग फिर चर्चा करेंगे, क्या करना है? चर्चा हर बार करेंगे हम, और हम बराबर चर्चा करेंगे, अपने आपस में करेंगे, सरकार से करते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो कायम रहेगा। लेकिन सरकार ने तो चौधरी साहब ये कह दिया ना कि जब इस ये प्रपोजल स्वीकार हो तब बता देना। हमने भी कह दिया हमें स्वीकार नहीं है, तब तो चले आए। अगर स्वीकार होता तो अभी ना कहते स्वीकार हमें, तो बात खत्म होगी आज, फिर क्या दिक्कत है? ऐसी भी कोई बात हुई थी कि इसका टाइम 1.5 साल से और बढ़वा दिया जाए? अरे बताओ, 1.5 साल हो या 2 साल हो, ये अलग बात हो गई। मेरा मैं ही कह रहा हूँ, MSP हमारा मेन पॉइंट है। सरकार कहती MSP हम अध्यादेश ला रहे हैं, MSP कानून बना रहे हैं, और आओ चलो और आगे बात करते हैं। MSP बात करूँ तैयार नहीं हुई सरकार, जब भी जिक्र करते हैं ऐसा पहले इन पर बात कर लो। मुद्दा MSP का जो है हमारा, MSP पर सरकार ऑर्डिनेंस लिया, सिर्फ हमें ये गारंटी दे दे कि जो हम भाव तय करते हैं MSP का, उससे नीचे को खरीदेगा नहीं, बस ये दे हमें, फिर आगे बात करें। ऐसा कोई बात करनी चाह रही कभी भी? अब हम जो आए हैं उठ के घर चले उठ के, क्या ये तो चले आएंगे ऐसे ही? अब ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा, और हम तैयारी कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। अब 26 तारीख की क्या तैयारी है? 26 बड़ी तैयारी है, लेकिन पुलिस से तो उस पर सहमति नहीं बनी। पुलिस सहमति क्यों नहीं बनेगी? नहीं बनेगी तब भी आएंगे हम। देखो सुनो, 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं आप आज? हमारे जवान शहीद हुए ना आज़ादी में, हम बोल हो गए इस देश के, ये देश हमारा है, ये इनका नहीं, ये चला रहे सब बैठे आपस में, ये इसको आपको करना पड़ेगा, इसको हम संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा संघर्ष। ठीक है, चौधरी हरपाल सिंह को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की बातचीत बेनतीजा रही, और वो कह रहे हैं 26 जनवरी का जो तय कार्यक्रम है वो जरूर किया जाएगा। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, अमित चंद प्राइम, दिल्ली।